नमस्कार दोस्तों, आज हमारे इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ए दैनिक गतिकरण, बी वार्षिक गतिकरण, सी छमाही गतिकरण, डी तिमाही गतिकरण। राइट आंसर इज दैनिक गतिकरण। सेकंड क्वेश्चन, सबसे बड़ा ग्रह है। ए बृहस्पति, बी पृथ्वी, सी यूरेनस, डी शुक्र। राइट आंसर इज ए बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह है। ए मंगल, बी शनि, सी बुध, डी नेपच्यून। राइट आंसर इज सी बुध। फोर्थ क्वेश्चन है, अगुल हास तारा किस महासागर में बनती है। ए प्रशांत महासागर में, बी हिंद महासागर में, सी आर्कटिक महासागर में, डी अन्य। राइट आंसर इज हिंद महासागर में। फाइव्थ क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। ए तांबा और जस्ता, बी निकेल और तांबा, सी लोहा और जस्ता, डी लोहा और निकेल। राइट आंसर इज डी लोहा और निकेल। सिक्स, मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। ए फ्रांस, बी रूसी संघ, सी कनाडा, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है बी रूसी संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ए ब्राजील, बी भारत, सी अमेरिका, डी चीन। तो इसका राइट आंसर है सी अमेरिका। एट क्वेश्चन है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ए ओसाका, बी टोक्यो, सी नागासाकी, डी योकोहामा। राइट आंसर इसका होगा ए ओसाका। नाइन क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था किसने की थी। ए जवाहरलाल नेहरू, बी रविन्द्र टैगोर, सी बाल गंगाधर तिलक, डी व्योमय चंद्र बनर्जी। इसका राइट आंसर है सी बाल गंगाधर तिलक। दस नंबर क्वेश्चन है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ए लॉर्ड कैनिंग, बी नील आर्मस्ट्रांग, सी जॉन मथाई, डी अन। तो इसका राइट आंसर होगा ए लॉर्ड कैनिंग। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत भारतीय के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। ए अशासकीय संस्था, बी आर्य समाज ने, सी ब्राह्म समाज ने, डी अन्य। राइट आंसर इज बी आर्य समाज ने। 12 नंबर क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। ए नर्मदा, बी सिंधु नदी, सी कोसी, डी गोदावरी। तो राइट आंसर इसका है ए नर्मदा। 13 क्वेश्चन है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया। ए पूंजी मुद्दे ने, बी डीएलएफ ने, सी सेबी ने, डी अन्य। तो इसका राइट आंसर है सी सेबी ने। 14 क्वेश्चन है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। ए केरल राज्य में, बी कर्नाटक राज्य में, सी तमिलनाडु राज्य में, डी त्रिपुरा राज्य में। तो इसका राइट आंसर होगा बी कर्नाटक राज्य में। 15, भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। ए कावेरी नदी, बी गंडक नदी, सी दामोदर नदी पर, डी यमुना नदी पर। तो इसका राइट आंसर है सी दामोदर नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 16 क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। ए तारापुर परमाणु संयंत्र, बी केटोनम परमाणु संयंत्र, सी कुंडकुलम परमाणु संयंत्र, डी अन्य। तो इसका राइट आंसर होगा ए तारापुर परमाणु संयंत्र। 17 क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। ए इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, बी उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, सी स्कॉटलैंड तथा वेल्स, डी ए और डी।
तो इसका राइट आंसर होगा डी, ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18, आगरा शहर को किसने बसाया था? ए सिकंदर लोदी, बी अकबर, सी बहलोल लोदी, डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर होगा ए सिकंदर लोदी। 19वां क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मणी, सी देवनागरी, डी हायरोग्लाइफिक्स। इसका राइट आंसर है बी ब्राह्मणी। 20वां क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ए अंडमान निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी केरल, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा डी तमिलनाडु।